पिपल साहब एक बात बताइए, आप जो बहन कुंवारी मायावती की सरकार देखते हैं वो किस जनाधार पे देखते हैं कि बहन कुंवारी मायावती की सरकार 2019 के अंदर बनेगी, उसके बारे में बताएं। जी, इस संबंध में हमने अभी डेटा के ऊपर जो एनालिसिस अपना दिया था कि जो बहुजन समाज है उसका जो जनसंख्या है देश के अंदर वो सबसे ज़्यादा है और लगभग 85% के करीब है, जी और उत्तर प्रदेश जो है 80 लोकसभा की सीटों वाला प्रदेश है, जी तो 80 लोकसभा सीट जो जीतता है वो निश्चित रूप से एक लीडिंग स्टेट के रूप में उभरता है, और इस समय जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं सीट जीतने की बहुजन समाज पार्टी की, जी तो वो उत्तर प्रदेश में है। जी उत्तर प्रदेश में चूंकि जो नेट वोट वो है कहते भी हैं कि जो सत्ता का वो होता है रास्ता वो उत्तर प्रदेश हो उत्तर गया प्रदेश से होता है, जी। तो अभी तक आप देखेंगे अगर आप ढंग से देखें जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और नरेंद्र भाई मोदी तक, तो आपको ज़्यादा पीरियड जो आएगा कितने पीरियड तक उत्तर प्रदेश ने राज किया है मतलब उसमें भारत पर, तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री भले ही नंबर में कहीं दूसरे के जगह आए हों लेकिन अगर पीरियड को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा पीरियड जो है वो उत्तर प्रदेश से ही आएगा, जी और उनके लिए भले ही जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर में पैदा हुए थे जी लेकिन उन्होंने जो अपना क्षेत्र बनाया था जी वो आनंद भवन इलाहाबाद बनाया था, जी और मोदी जी गुजरात में पैदा हुए जो उन्होंने क्षेत्र बनाया जी वो वाराणसी के लिए बनाया, जी तो इसका कारण ये था, उनको भी पता है कि भाई जो उत्तर प्रदेश से होकर के मतलब सारा रास्ता निकलता है, जी और दूसरा ये है कि जो संगम है वो भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, तो सारी संस्कृतियों का और मतलब उनका राष्ट्रीयताओं का संगम होता है जी वो भी उत्तर प्रदेश में होता है, जी तो इसलिए उत्तर प्रदेश का जो 80 सीटें हैं राजनीतिक रूप से अगर देखें जी तो ये बहुत मायने रखती हैं, अभी भी पहले 85 थी जी उत्तराखंड के कटने के बाद में 80 अभी भी हैं, जी लेकिन अभी भी 80 में से आपने देखा होगा 73 सीटें जीत करके मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, जी और मुझे लग रहा है जी कि अभी जैसे अखिलेश जी ने अभी जवाब दिया था इस बात का कि जी कौन कितनी सीटें जीतेंगे, जी तो उन्होंने कहा कि हमसे अगर पूछोगे जी तो मैं तो ये कहूंगा कि आपने हमें 5 सीटों पर समेट दिया था, तो मैं ये कहूंगा कि भाई बीजेपी 5 सीटें जरूर जीत सकती है, और अगर आप मायावती जी से पूछेंगे कितनी सीटें जीतेंगे जी तो उनको आपने 0 पर समेट दिया था, जी तो वो कहेंगे बीजेपी 0 से ज्यादा नहीं जीत सकती, जी तो ये अब दोनों स्थिति में 0 और 5 के ज्यादा तो मतलब जीत नहीं सकते हैं, तो जब 70 फिर भी मैं सोचता हूँ कि 70 सीटें अगर जीत जाती है सपा और बसपा का और लोकदल का जो गठबंधन है जी तो 70 सीटें इस समय जो मिली जुली सरकार बनेगी, जी अगर आप स्टेट वाइज एनालिसिस करें जी पीछे तमिलनाडु से चलते हैं केरला से चलते हैं फिर इसके बाद में आप दक्षिण भारत के कर्नाटका में आ जाते हैं जी आप फिर बंगाल में चले जाते हैं जी महाराष्ट्र में चले जाते हैं जी तो कहीं ऐसा नहीं नजर आ रहा, और फिर अब जो हिंदी भाषी क्षेत्र जहाँ पे बीजेपी का दबदबा था जी उनको अभी आप राजस्थान देख रहे हैं या छत्तीसगढ़ देख रहे हैं या आप मतलब आपका ये मध्य प्रदेश देख रहे हैं जी तो वहाँ भी मतलब उनका सफाया होता नजर आ रहा है, जी तो अब वो कहाँ से जीतेंगे ये समझ में नहीं आता, जी तो इसलिए उन्होंने देखा कि अब जो उस समय तो उन्होंने राम का मुद्दा उछाला था जी जब ये स्टेट का इलेक्शन चल रहा था, जी तो इन्होंने टेस्ट किया था राम का मुद्दा, तो वो टेस्ट में फेल हो गए उसमें, उन्होंने कहा राम का मुद्दा जो है इस समय कामयाब नहीं है चूंकि बहुजन ऑर्गेनाइज हो रहा है, जी दूसरा फिर उन्होंने अब ये उन्होंने देखा कि आरक्षण का मुद्दा ज्यादा कामयाब है क्योंकि ये जो जीत बोल रहे हैं बहुजन समाज जी वो आरक्षण के मुद्दे पे जीत बोल रहा है जी तो हम आरक्षण के मुद्दे को ही पकड़ लेते हैं, तो उन्होंने 10% जो सवर्णों का आरक्षण का मुद्दा जो उछाला है जी और ये इनका और कोई बड़ा नहीं है उनका सवर्ण समाज जो है बीजेपी से हट करके जी वो BSP में तो नहीं आ रहा जी लेकिन बीजेपी से हट करके वो कांग्रेस में जरूर जा रहा है, जी तो कांग्रेस में और उसमें जब इनका इकट्ठ टूट जाता है सवर्ण समाज का जी कांग्रेस में और बीजेपी में बढ़ जाता है जी तो न कांग्रेस जीतती है और न बीजेपी जीतती है, जी वो थर्ड फ्रंट या जो भी गठबंधन है वो मतलब सत्ता में हमेशा आया है, जी पीछे पहले भी मतलब ऐसा हो चुका है, और उत्तर प्रदेश तो इसकी लेबोरेटरी है वो तो उसमें साफ नजर आता है, तो इसलिए पूरे देश में ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जो 2019 में जो सरकार बनेगी मिली जुली सरकार होगी और कमजोर सरकार होगी और उसमें सबसे बड़ी लीडर बहन कुमारी मायावती है तो उनको निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनना ही है, जी उनको लीडरशिप अपने आप देंगे लोग जी।